2023 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैंने स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीज सीखी एंड अपनी स्किन को धीरे धीरे और इम्प्रूव किया। तो आज के वीडियो में अगर आप 30 के होने वाले हो या फिर आप 30 के हो तो मैं कुछ स्किन केयर टिप्स बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए एंड अपनी स्किन में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सारे टिप्स मैं भी फॉलो करती हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग मेरी एज पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ, आई एम 28 ईयर ओल्ड। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है एज इज जस्ट अ नंबर और सब यहाँ पे। एंड टीनेजर्स भी मुझे देखते ही हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको नॉलेज के हिसाब से आप इसको देख सकते हो ताकि आपके आगे भी काम आए। सबसे पहले टिप है वीकली फेशियल। आपको हफ्ते में एक बार फेशियल करना चाहिए, भले ही आप घर में करो या फिर पार्लर में करो, या आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने ज्यादा बिजी रहते हो तो आपका स्किन फिर भी इतना ग्लो कैसे करता है। उसका रीजन यही है कि मैं हफ्ते में एक बार संडे को बहुत अच्छे से फेशियल करती हूँ, स्लैश पैम्परिंग बोल लो, एक दो घंटा अपनी स्किन को देती हूँ, फेस पैक लगाती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी फील होती है। अभी भी आप देख सकते हो, रात को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन स्किन मेरी फिर भी ग्लो कर रही है, क्योंकि मैं हर संडे को ये चीज करती हूँ एंड मुझे इसमें कोई थकावट नहीं लगती। मुझे बहुत मजा आता है ये चीज करने में, मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे पता है कितना अच्छा फील होता है। तो आप नहीं कर सकते तो पार्लर चले जाओ, वहां पे कर लो, लेकिन हफ्ते में एक बार करो। अगर आपको जाना है कि मैं कैसे हफ्ते में एक बार फेशियल और पैम्परिंग कुछ भी बोलो मैं कैसे करती हूँ, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब इसके बाद जाके देख लेना। नेक्स्ट टिप है आपको एक आई क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ आपको कौन सा आई क्रीम यूज करना चाहिए। सबसे पहले आमंड ऑयल या फिर एलोवेरा जेल या फिर थोड़ा सा देसी घी जो आपको घर में आपके मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि खुशबू आपने तो आई क्रीम बोला तो आप ये सब क्या बता रहे हो। ये मैं अभी भी यूज करती हूँ एज अ आई क्रीम, अपने अंडर आई के नीचे एंड मसाज करती हूँ। एंड मैं ये तब भी यूज करती थी जब मैं बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक आई क्रीम की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें ही बहुत अच्छा काम करती। जब मैंने ये सब चीजें लगाना चालू किया ना तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे, तभी मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक आई क्रीम की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये वाले ब्रांड की लगानी है आई क्रीम या ये वाले नहीं। आप ये सब चीजें जो मैंने ऑप्शन दे उसमें से कोई सा भी उठा लो और अपने हर दिन अंडर आई के नीचे लगाओ, आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा, रिंकल्स को कम करेगा, पफिनेस को कम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। नेक्स्ट टिप है आपको हफ्ते में एक बार स्किन एक्सफोलिएट करना है। मैं हफ्ते में एक बार इसलिए करती हूँ क्योंकि अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो मैं एक बार करती हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है ना तो आप हफ्ते में दो बार करो, या आपकी स्किन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं एक सिंपल से टिप बताती हूँ जो बहुत सारी चीजें को आसान कर देता है एंड टाइम को भी बचा लेता है, वो कि मैं स्टीमिंग लेती हूँ हफ्ते में एक बार एंड स्टीमिंग के बाद मैं स्क्रबिंग करती हूँ। ठीक है, तो मैं स्टीमिंग पहले ऐसी लेती थी, नैपकिन से लेती थी, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम को ले लेता था, इसलिए मैंने एक स्टीमर ऑर्डर किया। मैं स्टीमर से स्टीमिंग लेती हूँ एंड वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। एंड मैं एक स्क्रब को मैंने एक डब्बे में रख रखा है पाउडर बना के, ओट्स वाला, मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बोला है। एंड मैं स्टीमिंग के बाद स्क्रब करती हूँ, बस मैं इसी स्टेप को संडे को एक बार करती हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत, दो मिनट में मेरा सब हो जाता है। तो मैं आपको भी बोलूंगी कि स्क्रब ले आओ मार्केट से या फिर नेचुरल वाला कर लो एंड अपने घर में रखो एंड हफ्ते में दो बार या फिर एक बार करना चालू करो। एंड स्क्रब से पहले स्टीमिंग लो। अगर आपको घर में बन रहा है तो आसान लग रहा है तो कर लो घर में, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम ले ले रहा है तो एक स्टीमर खरीद लो ऑनलाइन। मैंने जो स्टीमर मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब मैं ये टिप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, इसने मेरे टाइम को बहुत ज्यादा बचाया एंड मैं जानती हूँ मुझे बहुत सारे वर्किंग लोग भी देखते हैं, तो ये टिप आप भी फॉलो कर सकते। अब ये जो मैं टिप बताने वाली हूँ ना, ये मैंने कुछ टाइम से करना चालू किया है एंड अगर आप 30 के होने वाले हो या फिर 30 के हो चुके हो तो आपको ये टिप फॉलो करना चाहिए, वो है प्रोडक्ट्स दैट कंटेन रेटिनॉल। देखो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप रेटिनॉल डायरेक्टली खरीद लो एंड अपने चेहरे में लगाओ, मतलब आप पैच टेस्ट तो करोगे ही, एंड दूसरा ये है कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें रेटिनॉल हो। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जिसमें रेटिनॉल हो। तो मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोस में भी बताया कि मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी तो मुझे वैसलीन का ये मॉइस्चराइजर मिल गया जिसमें विटामिन सी सीरम भी है एंड रेटिनॉल भी है। तो मैंने इसको रेटिनॉल के लिए खरीदा था, ट्रायल के लिए कि चलो ठीक है इसमें रेटिनॉल है तो ट्राई करके देखते हैं। एंड अब ये मेरा परमानेंट हो गया, अब मैं इसी को यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये एंड इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, मैं बता रही हूँ क्योंकि इसने मेरे पे बहुत अच्छा काम किया। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप इसका ट्राई कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अगर आपको कोई और प्रोडक्ट ट्राई करना है तो आप ट्राई करो कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें रेटिनॉल हो, या फिर आप डायरेक्टली रेटिनॉल को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी फेवरेट है एंड मेरे चैनल में भी बहुत सारे लोगों को बात करना उस पर पसंद है, वो है फेस मसाज। टेंशन मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में, बस एक चीज बोलूंगी कि हर दिन फेस मसाज करना। अगर आप टीनेजर हो, 20 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, आपको हर दिन करना है फेस मसाज। आपको ये बात पता है कि मेरी मम्मी भी फेस मसाज करती है, बहुत पहले मैंने उनको बताया था कि फेस मसाज ऐसा ऐसी चीज होती है आपको हर दिन करना चाहिए, आपके रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है एंड वो आज तक करती है। स्टार्टिंग में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये क्या नई नई चीज है, लेकिन अब उनको आदत हो गई। वो आप हाथों से भी कर सकते,
सकते हो या फिर ग्वाशा से भी कर सकते हो, दोनों से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं हाथों से बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है एंड मैं ग्वाशा से अभी कर रही हूँ और अच्छे से सीखने के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको हाथों से करना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है बिगिनर्स के लिए, कुछ 2-3 बताए, उस वीडियो के लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसके बाद जाके देख लें। अब एक बोनस टिप बता रही हूँ, वो मेरी फेवरेट है, मैंने कुछ वीडियोज में बोला है लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रही हूँ, वो है नाइट स्किन केयर। मैं इस टिप को है ना बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम सुबह भी करते हैं स्किन केयर, रात को भी करते हैं स्किन केयर, इससे अच्छा थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं एंड रात को करेंगे स्किन केयर, क्योंकि रात को हमारी स्किन बहुत अच्छे से काम करती है, आपको पता है। एंड आप नोटिस करना, जिस दिन आप रात को एकदम अच्छे से स्किन केयर करके सोगे ना, मॉर्निंग में आपकी स्किन आपको अलग ही लगेगी। आई नो रात में थोड़ा टफ हो जाता है स्किन केयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लेजी मोड में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डल स्किन है ना, इस टिप को फॉलो करो, ये आपकी स्किन को चेंज कर देगी। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अपना प्यार देके जाना, लाइक करके जाना एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो 30 के होने वाला है या फिर 30 के हैं, ये वीडियो उनके लिए काम आएगी। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियोस आने वाली है, ताकि आप मिस ना करो। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।